आज हमारे साथ है श्रीमती कुमकुम झा जी, जो एक बहुत ही बेहतरीन मधुबनी पेंटिंग के कलाकार हैं। साथ ही साथ उनको 2012 में स्टेट लेवल मेरिट अवार्ड मिला है इस पेंटिंग के लिए। नमस्कार कुमकुम झा जी, हम आपका स्वागत करते हैं इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम एक कैंपेन वुमेन बाउंस बैक चला रहे हैं और हम उन महिलाओं को ला रहे हैं जिनकी स्टोरी हमारे ऑडियंस को बहुत इंस्पायर करे। नमस्ते, मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, मैंने 10th किया हुआ है। और शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मेरे यहाँ सभी मधुबनी पेंटिंग बनाते थे, मेरी सासू माँ, ननद, मेरे हस्बैंड भी बनाते थे। तो देख देख के मुझे अच्छा लगा। सासू माँ बोलती थी, आओ यहाँ बैठो मेरे पास, इसमें थोड़ा थोड़ा कलर करो। तो बताते, मुझे पता नहीं था कहाँ कौन सा कलर देना है, तो वो बताया करती थी कि यहाँ रेड भरो, यहाँ हरा दो, यहाँ पीला भरो। तो मैं करती थी, अच्छा लगता था मुझे। और अब मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कुछ कुछ बना भी लेती हूँ। छोटा ऐसे मछली बनाना सिखाती थी, पेड़ पौधे, चिड़िया, एलिफेंट। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे करके मैं भी अच्छे से बनाना सीख गई और अब मैं अच्छा पेंटिंग बना लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपका परिवार बहुत सपोर्ट करता है इस चीज़ के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, तो आपको एक पोस्टर बनाने के लिए कितना वक्त लगता है? ये अलग अलग साइज होता है इनका, तो जैसे कि थोड़ा अगर छोटा साइज है तो 2-3 दिन में भी कंप्लीट हो जाता है। कुछ बड़ा साइज है तो हमें कम से कम 10 दिन लग जाता है। उसमें कचनी का काम बहुत बारीक होता है, भरनी, दिमाग से थोड़ा कलर भी देना पड़ता है, कहाँ कौन सा कलर दिया जाए। तो इस हिसाब से घर का काम करते हुए साथ में हमें करते हैं ये काम, तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। आपने भी बताया कि ये मधुबनी पेंटिंग करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो आप अपनी कला को साथ ही साथ अपने परिवार का कैसे मैनेज करते हो? पहले तो परिवार को देखते हैं, परिवार की जो ख्वाहिशें होती है वो मैं पूरा करके उसके बाद जितना ही टाइम मुझे मिलता है, कभी 2 घंटे, किसी दिन 1 घंटा, उतना ही मैं काम किया करती हूँ। और धीरे धीरे एक पेंटिंग जो होता है उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। आप एक हाउसवाइफ तो हैं ही, साथ ही साथ आपको इस कला के लिए स्टेट लेवल पुरस्कार मिला है, तो आप अपनी स्टोरी हमारी जनता को अपने शब्दों में बताएंगे? जी, पहले मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा कुछ कुछ पेंटिंग बनाती थी, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा पेंटिंग बनाई, बहुत सारी पेंटिंग बना के इकट्ठा किया। उसके बाद कुछ कुछ स्टॉल हमें मिला लगाने के लिए, कुछ लोगों से संपर्क किया, बातें की, तो लोगों वो लोग हमें बुलाया करते थे कि आप यहाँ कभी बॉम्बे, कभी कोलकाता में स्टॉल लगाते थे, पेंटिंग बनाती थी। तो ऐसे पेंटिंग देख के सब बोलते थे, आप अच्छा पेंटिंग बनाती हो, स्टेट लेवल के लिए जो है फॉर्म भरो। तो मैं बोलती ठीक है, मैं भरूँगी। तो 2012 में मेरे हस्बैंड फॉर्म ले आए दिल्ली में और भरा। फॉर्म भरने के बाद मुझे उन्होंने चयन किया, पसंद आई, तो अवार्ड मिला 2012 में मुझे। आपने मधुबनी कला को एक ऊंचा स्तर दे दिया है स्टेट लेवल जीत कर, और साथ ही साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि अभी तो आपने स्टेट लेवल पार किया है, साथ ही साथ आप नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल दोनों को पार करें। बाकी जो औरतें हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूंगी, घर के काम के साथ टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर चाहें, मन में इच्छा हो, तो आप टाइम निकाल के जो आपको कुछ कला या किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो तो आप उसको कर सकते हैं।